नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल M4U में। दोस्तों, आजकल की गलत जीवन शैली के चलते लोगों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम समस्या हो गई है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। HDL को गुड यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, किंतु बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाई BP, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल में खानी चाहिए या नहीं। उन्हीं में से एक है मूंगफली। लोग पीनट्स यानी कि मूंगफली को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज इसे खाएँ या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो आपको मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए। मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंगफली खाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। दोस्तों, किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को सस्ता बादाम भी कहते हैं। लोग इसे सर्दियों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मूंगफली में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं देते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। मूंगफली विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीज, प्रोटीन और फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। मूंगफली को कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर खाना चाहिए। इससे दिल की सेहत अच्छी रहती है। अगर आप इसे रोज खाते हैं तो इससे दिल की बीमारी से होने वाली मौत के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मूंगफली ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करती है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। मूंगफली से डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है। वजन को कंट्रोल करने में भी मूंगफली फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल रहता ही है, साथ में इससे होने वाली बीमारियों और समस्याओं का खतरा भी काफ़ी कम रहता है। इसलिए अपनी डाइट में आप मूंगफली को ज़रूर शामिल कीजिए। अब आइए जानते हैं कि मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है और इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, हमें हर रोज़ 13 मूंगफली के दाने खाने चाहिए। 13 मूंगफली के दानों को लेकर उसे 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और फिर उसे खा लीजिए। इस तरह भिगोकर मूंगफली खाने से इसके सारे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि किन लोगों को मूंगफली नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को मूंगफली खाने से एलर्जी होती है, उन्हें इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें गले में खराश, त्वचा की समस्याएं, पाचन समस्याएं, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप मूंगफली को भिगोकर खाइए और इसका आनंद लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।